अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने आखिरी नबी को जो भेजा वो इसीलिए भेजा कह के, कह महबूब तुम फरमा दो कि मैं तुम ही लोगों में से एक बशर हूं, यानी कि एक इंसान हूं। एक इंसान कहने का मतलब ये है कि नबी से अल्लाह ने बकरियां इसलिए चरवाई ताकि कोई खुदा ना समझे, नबी को मां के पेट से इसलिए पैदा किया ताकि कोई खुदा ना समझे, नबी की जिंदगी आम जिंदगी की तरह रखी, यानी खाना पीना उठना बैठना लेटना सोना चलना फिरना, ताकि कोई खुदा ना समझे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को अपने नूर से इसलिए पैदा फरमाया ताकि दुनिया के लोग मुस्तफा को अपनी तरह ना समझे, समझे। अब इस लफ्ज को और आसानी के साथ समझने के लिए एक मिसाल दे दूं आपको। देखिए अभी मौलाना सुलेमान साहब कहां चले गए, उर्फ मौलाना जिक्रुल्ला साहब, आप ही ने बोला था मौलाना जिक्रुल्ला साहब गए हुए गए। तो आप जब उनकी तकरीर को सुनते होंगे तो आपकी जबान से बरसाख्ता निकलता होगा ये जुमला, हम यार मौलाना सुलेमान तो दहाड़ते हैं बिल्कुल शेर की तरह। आदमी कह देता कि नहीं कह देता है ना। अभी आपने शायरे अहले सुन्नत की नात सुनी, आपने कहा इनकी आवाज इतनी मदभरी है, इतनी सुरीली आवाज है, ऐसा लग रहा है कि कोई बुलबुल किसी बाग में चहक रही हो। ये शायरे इस्लाम नात पढ़ते हैं बिल्कुल बुलबुल की तरह, है ना। आप बोल देते हैं कि नहीं बोल देते हैं, किसी की बहादुरी को देखकर शेर से तस्बीह दे देना ये आम बात है, है ना। और आसान कर दूं तो यूं कहूं तो बेजा ना होगा, आपने चाय होठों से लगाई, चाय बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म, आपकी जबान से निकला जुमला कि माँ यार चाय तो गर्म है बिल्कुल आग की तरह। क्या कहा? चाय गर्म है आग की तरह। आपने पानी बहुत ठंडा लिया, होठों से लगाया, पानी बहुत ज्यादा ठंडा था, आपकी जबान से जुमला निकला कि पानी ठंडा है बर्फ की तरह, है ना। ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये कोई गलत है बोलना? ये जुमला बिल्कुल गलत नहीं। किसी मुकर्रर को तकरीर करता देखकर ये कहना ये दहाड़ता है शेर की तरह, किसी शायर की नात को सुनकर ये कहना कि ये पढ़ता है बिल्कुल बुलबुल की तरह, चाय के प्याले को होठों से लगाकर ये कहना चाय गर्म है आग की तरह, और ठंडे पानी को होठों से लगाकर ये कहना कि पानी ठंडा है बर्फ की तरह, तो ये तो कहना जायज है, दुरुस्त है कि नहीं है? कोई एतराज किसी को इस पे? कोई एतराज नहीं। अब अगर कोई अकल से पैदल है ना यतीमुल इल्मी वलदब खड़ा हो मजमे से और ये कहने लगे जंगल में किसी शेर को दहाड़ता देखकर कि अमा यार ये शेर दहाड़ रहा है मौलाना सुलेमान की तरह, तो बताइए बेवकूफी है कि नहीं है? बेवकूफी। किसी बुलबुल को बाग में चहकता देखकर कोई बुलबुल की चहक को देखकर ये कहे कि ये बुलबुल चहकती है कारी शमसुद्दीन की तरह, कोई आग के अंगारे को हाथ पर रखकर ये कहे कि आग गर्म है चाय की तरह, या बर्फ को हाथ में लेकर ये कहे कि ये बर्फ ठंडा है पानी की तरह, तो बोलिए ये बेवकूफी है कि नहीं है? क्या बोलेंगे आप ऐसे शख्स को कि ये शख्स अकल से बिल्कुल पैदल है, जाहिल जट निपट चौपट है, यतीमुल इल्म वल अदब है, इल्म से महरूम है। इल्म से महरूम क्यों ना हो? क्योंकि इसके सीने में इश्क़े मुस्तफा ना था। जब तक दिल में इश्क़े मुस्तफा ना हो तो हदीसों कुरान को समझ पाना ये कोई बच्चों का खेल है। जितना ज्यादा नबी का इश्क सीने में होगा उतना ही ज्यादा तुम हदीसों कुरान की तफासीर में और हदीसों की तफसीरों में पहुंचकर उन अनमोल नगीने निकाल सकते हो। लेकिन जब इश्क मुस्तफा ही सीने में नहीं होगा तो क्या समझ पाएंगे आप?
तुम मुझे बताइए, ये मिसाल जो मैंने अभी पेश की, जो इसका उल्टा मैंने किया, ये गलत है कि नहीं है? ये बिल्कुल बेवकूफी है। ऐसे इन बदअकीदों ने क्या कहा कि नबी मेरी तरह। अम्मा यार क्या हो गया अगर अगर मेरे नबी ने अपनी आजिजी और इनकिसारी की बिना पर अल्लाह के फरमान की वजह से ये अपने अपने उम्मतियों को ऐलान फरमाया ताकि लोग मेरे इशारे से जो चांद के दो टुकड़े हुए, मेरे इशारे से जो सूरत पलट कर आ गया, मेरे उंगली के इशारे से दरख्त अपनी जड़ों को उखाड़ कर मेरे कदमों में आ गिरा, ये सारे मौजजात देखकर कहीं कोई मुझे अल्लाह का बेटा ना समझे, कहीं कोई खुदा समझकर पूजने न लगे। इस एतराज को दूर करने के लिए अल्लाह ने फरमाया था, महबूब फरमा दो मैं तुम ही लोगों में से एक बशर हूं, है ना, इसलिए फरमाया। लेकिन अब इनको कौन समझाए, अकल से बिल्कुल पैदल है, कैसे बताएं इनको कि क्या हुआ अगर मेरे आका ने अपनी ज़बान मुबारक से यह जुमला अदा किया था। लेकिन हमारे और आपके लिए यह बिल्कुल जायज नहीं कि हम पलट कर कहें क्या हुआ मेरे नबी ने कहा कि ए लोगों देखो मैं तुम्ही लोगों में से एक बशर हूं। इसका मतलब ये नहीं कि हम नबी की तरह हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम नबी की तरह हैं। बिला तशबीह हो तमसील ऐसे ही जैसे कि शेर को दहाड़ता देखकर नहीं कह सकते कि शेर दहाड़ता मौलाना सुलेमान की तरह, या बुलबुल चहकती है शमसुद्दीन की तरह, या आग गर्म है चाय की तरह, या बर्फ ठंडा है पानी की तरह। जब ये कहना जायज नहीं तो ये कहां से जायज हो गया? अच्छा जब बात इतनी समझ चुके हैं तो इस पर एक बात और समझ लीजिए। एक इल्मी बात बता रहा हूं, एक दरसगाही बात बता रहा हूं जो दरसगाहों में बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, वो मैं आपको बता रहा हूं। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीन शक्लें थी। कितनी? तीन शक्लें थी। कितनी? मैं बोल तो दो वरना पढ़ने में टाइम नहीं लगता है मुझको। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ। भाई इंतकाल कर जाओगे तो मैं पढ़ दूंगा। इंतकाल का मतलब यही नहीं होता है कि आप दुनिया छोड़ के चले जाएं। इंतकाल का मतलब ये होता है कि एक हालत से इंसान दूसरी हालत की तरफ मुंतकिल हो जाए। यानी अभी आप जग रहे हैं, आप सोने लगे तो गोया कि आपका इंतकाल हो गया। आप बैठे थे, खड़े हो गए, गोया कि आपका इंतकाल हो गया, क्योंकि आपकी हालत बदल गई है ना? है ना? हालत बदल जाने से कहां घूम रहे हैं मौलाना जिक्रुल्लाह, तकरीर नहीं किए हैं भाई, आज ऐसे ही घूम रहे हैं बेचारे। कह रहे तीन चार दिन से आज परेशान हूं, कम से कम मिंबर शरीफ को जीनत तो बख्श दीजिए आप। लुंगी पहने इसलिए नहीं आएंगे, मेरे नबी की सुन्नत है भाई। आइए मिंबर शरीफ पे आइए, आइए तो आना ही पड़ेगा सर, नहीं तो वही कुर्सी डालूंगा। तशरीफ लाइए आप। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने नबी की कितनी शक्लें हैं? तीन। याद करके जाइएगा इसको, कितनी शक्लें? तीन। पीछे वाले कोई एक आध हाथ उठा दिया, सोचा चल रहा है काम, चलने दो। बाहर कैफ, जो जितना समझने की नियत से आया होगा अल्लाह के रसूल उतनी ही उसको तौफीक देंगे। समझ रहे हैं ना? जो जितना अदब और एहतराम के साथ, जितना खुलूस के साथ, जितनी लगन के साथ जिस चीज को तलब करता है ना, उतनी ही मिकदार में उसको वो चीज मिलती है। याद रखिएगा नबी की कितनी शक्लें? तीन हैं। कौन कौन सी? नंबर एक शक्ल नूरी है ना, नंबर एक शक्ल नूरी, नंबर दो शक्ल मलकूती, और नंबर तीन शक्ले बशरी है ना। अब अल्लाह कादिर मुतलक है, वो चाहता तो शक्ले नूरी में अपने महबूब को दुनिया में मबूस फरमाता। अल्लाह कादिर मुतलक है, अगर चाहता तो शक्ले मलकूती में अपने पी लीजिए। अल्लाह अगर चाहता तो शक्ल मलकूती में अपने महबूब को दुनिया में मबूस करता,
लेकिन इन दो शक्लों में अल्लाह ने अपने महबूब को मबूस दुनिया में नहीं किया। इसकी वजह क्या है? क्योंकि देखिए शक्ल मलकूती किसको कहते हैं, यानी कि मलक माने होता है फरिश्ता, है ना। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया में रहे तब तक अल्लाह ने आपको शक्ल बशरी में रखा। जब आप मेराज की रात तशरीफ ले गए तो पहले ही आसमान से लेकर अरशे इलाही तक, यानी मकामी काबा कौसैन तक, ला मकान तक, जहां जिब्रील अमीन जाकर ठहर जाते, अल्लाह के रसूल आगे जाने की रसाई नहीं, आगे जाने की जरूरत नहीं, अगर आगे बढ़ा तो तजल्लियात के पर जल जाएंगे। अब वहां से मकामे काबा कौसैन तक जब तक फरिश्तों में रहे तब तक अल्लाह ने फरिश्तों की शक्ल अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को अता की। लेकिन जब मकामे काबा कौसैन तक जाते हैं तो अल्लाह ने शक्ल नूरी आपको अता की, वो शक्ल अता की जिस नूर से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को पैदा किया था, वो शक्ल अता की। तो गौर करें, अल्लाह कादरे मुतलक है। अगर अल्लाह चाहता तो इन दो शक्लों में मेरे मुस्तफा जाने रहमत को दुनिया में भेजता, लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब को शक्ल बशर शक्ल मलकूती में भेज देता, यानी फरिश्तों की शक्ल में भेज देता, तो फरिश्ते ना खाना खाते हैं, ना पानी पीते हैं, ना वो सोते हैं, ना जागते हैं, ना मर्द हैं, ना औरत है। अल्लाह ने जिस काम के लिए उन्हें मुकर्रर कर दिया उसी काम में लगे रहते हैं, अपना अल्लाह की इबादत और रियाजत में लगे रहते हैं। तो अब मुझे बताएं, अगर मेरे नबी को अल्लाह फरिश्ते की सूरत में भेज देता तो हमें और आपको खाने का सलीका कहां से मिलता, पीने का तरीका कहां से आता, इबादत का तरीका कहां से मिलता, शादी का तरीका कहां से मिलता, जाब्ता हयात कहां से मिलता, एक जिंदगी जीने का तरीका और सलीका कहां से मिलता। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के उम्मतियों को यह दर्श देने के लिए शक्ल बशरी में भेजा ताकि मेरा नबी खाए तो लोगों को खाने का तरीका आ जाए, मेरा नबी शादी करे तो लोगों को अज़दवाजी जिंदगी गुजारने का सलीका आ जाए, मेरा नबी जब चले तो लोगों को चलने का तरीका मालूम हो जाए, मेरा नबी जब सोए तो लोगों को सोने का तरीका मालूम हो जाए, मेरा नबी जब खाए पिए तो लोगों को खाने पीने का तरीका मालूम हो जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को दुनिया में जो भेजा वो शक्ल मलकूती में नहीं बल्कि शक्ल बशरी में भेजा। और ये बदअकीदे क्या बोल बैठे कि नबी मेरी तरह है। अम्मा यार, तुझ पर कौन सी वही नाजिल हुई? हाँ, अब तो नबुव्वत का दरवाजा भी बंद हो गया, अक्ल से बिल्कुल पैदल है, कहते फिरते नबी मेरी तरह है, मैं तो ऐसे लोगों के लिए बस किसी शायर का एक शेर कहता हूं। अरे कहते हैं जो रसूल को अपनी तरह बशर, अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। मैं इतने खामोश मजमे में मैं कभी तकरीर किया ही नहीं, यकीन करिए आप, मैं याद करूंगा आपको, है ना, मैं याद रखूंगा आपको, आज को, आज की शब को और आपको। कहते हैं जो रसूल को अपनी तरह बशर, ऐसा तो नहीं कहीं उन लोगों की तरह 12 बज गए आपके चेहरों पे भी। हम सुन्नी सहीउल अकीदा हैं, है ना, पूरी पूरी रात यूं ही जलसे सुनते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी हमारी मस्जिदें वैसे ही वीरान रहती हैं, हमारी मस्जिदें आबाद नहीं होने वाली हैं। जलसे करवा लो, जुलूस करवा लो, हैं, तीजा 40वां करवा लो हमसे, और 11वीं पे लंगर बंटवा लो, और इधर मुहर्रम शरीफ के मौके पर लंगर करवा लो, ढोल ताशा पिटवा लो, क्या नहीं है हमारे अंदर, बताइए क्या नहीं है हमारे अंदर? अगर नहीं है कुछ तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाना गवारा नहीं है। ये अफसोस का मकाम है मेरे दोस्त, ये बहुत अफसोस की बात है। तो गौर करें मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, तमाम मखलूक में सबसे अफजल आला बनाया है,
सबसे अफजल हमें और आपको पैदा किया। अल्लाह कादिर मुतलक था, चाहता तो हाथी घोड़ा बिल्ली चूहा कुत्ता बिल्ली है बैल भैंस चींटी मच्छर मक्खी मछली कुछ भी बना देता, हम क्या कर लेते भाई? कुछ कर सकते थे, बोलिए कुछ कर पाते? नहीं कर पाते ना, नहीं कर सकते थे। ये अल्लाह का एहसान है कि नहीं है तुम पर? हम सब पर ये एहसान है अल्लाह का कि नहीं कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको वलकत करमना बनी आदम का ताज पहनाया और करम बालाए करम ये फरमाया कि इंसान देखिए कई कटागिरी का होता है। इंसान कुछ तो ऐसा है जो सूरज की पूजा करता है, कुछ इंसान ऐसे हैं जो चांद की पूजा करते हैं, कुछ इंसान ऐसे हैं जो पत्थरों की पूजा करते हैं, कुछ इंसान ऐसे हैं जो मूर्तियों की पूजा करते हैं, कुछ इंसान ऐसे हैं जो आग की पूजा करते हैं, दरिया की पूजा करते हैं, समंदर को पूजते हैं, है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको ऐसा नहीं बनाया, यानी हजारों माबूदों को पूजने वाला अल्लाह ने नहीं बनाया बल्कि एक वहदहू ला शरीक की इबादत करने वाला बना। ये कर्म है उसका कि नहीं है, बोलिए ये कर्म है ना उसका, यानी एक मुसलमान खानदान में पैदा किया। और साथ ही साथ अल्लाह ने यह भी फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। देखिए कितना बड़ा कर्म, कितनी बड़ी नवाजिश। क्या फरमा दिया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास तमाम उम्मतों में, यानी चाहे हजरत आदम अलैहि सलाम की उम्मत हो उनसे अफजल हम हैं, हजरत यूनुस अलैहि सलाम की उम्मत हो, हजरत लूत अलैहि सलाम की उम्मत हो, हजरत ज़करिया की हो, हजरत यहया की हो, हजरत सालेह की हो, हजरत इब्राहिम की हो, हजरत इस्माइल अलैहि सलाम की हो, जितने भी अंबियाए कराम हैं उन सब की उम्मतों में अगर सबसे अफजल कोई उम्मत अल्लाह ने बताया है तो हमें और आपको बताया है ना। क्या आदम अलैहि सलाम की उम्मत में अच्छे नहीं थे? थे। अच्छों को निकाल दो, बुरों को एक तरफ कर दो, अच्छों को ले लो, अल्लाह ने उन अच्छों को भी अच्छा नहीं कहा। अरे आदम अली सलाम की उम्मत में कुछ अच्छे थे तो कुछ बुरे थे, अल्लाह ने उन अच्छों को भी अच्छा नहीं कहा। हजरत इब्राहिम की उम्मत में सब तो अच्छे नहीं थे, कुछ अच्छे थे तो कुछ बुरे थे, बुरों को एक तरफ कर दो, अच्छों को ले लो, तो अल्लाह ने उन अच्छों को भी अच्छा नहीं कहा। लेकिन हम गुनाहगारों को अच्छा कहा, हम खताकारों को अच्छा कहा, हम बदकारों को अच्छा कहा, हम ऐसिया शारों को अच्छा कहा, हम अय्यारों को, हम मक्कारों को अच्छा कहा। मौला रास क्या है? तारीख देखी है मैंने, तूने आदम को उम्मत दी लेकिन बेहतरीन उम्मत ना दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने महबूब के जमाल का परतो बनाया लेकिन बेहतरीन उम्मत ना दी। हजरत याकूब को सब्र और इस्तिक्लाल का कोहे हिमालय बनाया लेकिन बेहतरीन उम्मत ना दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत अता की लेकिन बेहतरीन उम्मत ना दी। मौला राज क्या है? तूने ईसा अलैहिस्सलाम को व उबरिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह की कुंजी अता की लेकिन बेहतरीन उम्मत ना दी। हजरत मूसा को व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा का ताज पहनाया लेकिन बेहतरीन उम्मत ना दी। मौला राज क्या है? बात समझ में नहीं आती। आलमे ख्याल में रब से बंदे ने सवाल किया, ए मेरे मौला राज क्या है? बात समझ में नहीं आती। मैंने आदम की उम्मत को देखा, मैंने हजरत इस्माइल की उम्मत को देखा, इब्राहिम की उम्मत को देखा, इसहाक और याकूब की उम्मत को देखा, हजरत ज़करिया की उम्मत को देखा, हजरत यूनुस की उम्मत को देखा, अस अव्वल ता आखिर जितने अंबियाए कराम है उन सब की उम्मतों को देखा लेकिन कि मैंने देखा किसी उम्मत को तूने बेहतर न कहा, किसी उम्मत को अच्छा न कहा, किसी उम्मत को उम्दा न कहा। मौला राज क्या है?
है, हम गुनाहगार हैं, हम सियाकार हैं, हम खताकार हैं, हम बदकार हैं, हम इसियां शार हैं, हम नमाजें भी छोड़ते हैं, हम जुआ भी खेलते हैं, हम शराब भी पीते हैं, दुनिया का हर गुनाह आज मुसलमानों के अंदर मौजूद है। मौला तब भी तू कहता है कि तुम बेहतर हो, तुम अच्छे हो, राज क्या है परवरदिगार? तो रब की रहमत से जवाब आया मेरे बंदे, तुमने उम्मतियों को देखा इसलिए जवाब न मिला। अरे उम्मती को ना देख, देखना है तो नबी को देख, नबी को, क्योंकि तू उस नबी का उम्मती है जो गिरोह अंबिया में सबसे अफजल हो आला। क्या फरमाया? जो गिरोह अंबिया में सबसे अफजल व आला है। अब इसमें हमारा अपना कोई कमाल नहीं है, बल्कि नबी की जात ही ऐसी है कि अगर नबी से निस्बत लग जाए किसी को किसी चीज से, तो वो चीज तमाम चीजों में अफजल व आला हो जाती है। बिला तशबीह तमसील आप देख लो, नबी के नवासों की तरह दुनिया में किसी के नवासे नहीं, जैसे मेरे नबी के नवासे हैं वैसे दुनिया में किसी के नवासे नहीं, जैसे नबी की शहजादी वैसी दुनिया में किसी की शहजादी नहीं, है ना? हम दूसरी बातों को क्यों देखते हो? खुद आसमानी किताबों को देख लो, चाहे तौरात हो, इंजील हो, जबूर हो, दीगर सहाइफ हो, लेकिन जो कुरान मेरे नबी पर नाजिल हुआ वो किताब तमाम आसमानी किताबों में अफजल वाला है। क्यों? क्योंकि मेरा नबी अफजल है। तो इससे रिलेटिव जो भी चीज होगी, उससे निस्बत रखने वाली जो जो चीजें होंगी, वो चीजें तमाम चीजों में अफजल वाला होंगी। क्योंकि आप दरगाहों को मानने वाले हैं, बुजुर्गाने दीन की चौखट को जाते होंगे, चूमते होंगे कि नहीं चूमते होंगे, दरगाह शरीफ को बाद में बोसा देते हैं, लेकिन सबसे पहले चौखट को अदब के साथ चूमते हैं। आखिर क्यों? आप देख लीजिए कि एक दरख्त है, उसकी मैंने दो टुकड़े किए, कितने दो टुकड़े किए, एक चौखट मैंने से कितना सरकार वारी से देवा की बारगाह में लगा दी और दूसरी चौखट अपने घर में लगा दी। अब आप ईमानदारी के साथ दिल पर हाथ रख कर बताएं, कितनी मरतबा आप जब सैयदना वारिस पाक की बारगाह में हाजिरी देते हैं, उनकी चौखट को चूमते हैं, या सरकार आला हजरत की चौखट को जाके चूमते? देखिए, दरख्त एक है लेकिन दो टुकड़े उसके किए, एक चौखट सरकार आला हजरत की बारगाह में, तो दूसरी चौखट उसी लकड़ी की हमने अपने दरवाजे में लगाई, लेकिन अपने घर के दरवाजे को एक बार भी नहीं चूमा होगा जिंदगी में किसी ने। चूमा है किसी ने? बोलिए, कोई चूमता है क्या? क्यों नहीं चूमता? क्योंकि एक ही दरख्त की लकड़ी है, उसको भी चूमना चाहिए। जब हम सरकार आला हजरत की चौखट पे पहुंचते हैं, उसको चूमते हैं, तो अपने घर की चौखट को भी चूमना चाहिए। आप कहेंगे अजीब मौलाना है, क्या आप नहीं जानते कि अब वो लकड़ी आम लकड़ी नहीं रही, बल्कि उस लकड़ी को अब निस्बत लग गई है सरकार आला हजरत से, है ना? अब उस लकड़ी को निस्बत लग गई सरकार आला हजरत से। मालूम क्या हुआ? निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। अरे दुनिया के में जो अल्लाह के वली हैं, उनसे जब निस्बत लग जाए तो इन लकड़ियों और पत्थरों का मर्तबा आला हो जाता है। फिर भी हम तो इंसान हैं और अपने नबी के उम्मती, तो कम से कम इतना तो अपने आप को अच्छा कर लो कि मरने के बाद में जब कब्र में मेरे मुस्तफा जाने रहमत आए, तो उन अच्छे मुस्तफा को चेहरा तो दिखा सको। आज हमारे कारनामे क्या हैं? आज हमारी करतूतें ऐसी हैं जो शैतान देखता होगा उसको भी शर्म आती होगी। आज बताइए, जुआ हम खेलते हैं, शराब हम पीते हैं, नमाजें तर्क हम करते हैं, जरा सा एहसास तक नहीं होता? अमा किस गफलत की जिंदगी में जी रहे हम और आप? क्या मुसलमानों का काम सिर्फ और सिर्फ जलसा जलूस ही तक है? क्या मुसलमान को अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया? क्या कुरान नहीं पढ़ा कभी? अल्लाह ने हमें और आपको जीने के लिए एक मकसद, एक टारगेट दिया है। उठाइए 29वां पारा, रब फरमाता है वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने इंसानों को और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया।
यानी एक मकसद दिया अल्लाह ने, एक ज़ाब्ता हयात दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि ऐ इंसानों देखो मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया है। लेकिन आज हम और आप अपना मकसद भूल बैठे, इसीलिए इस मुल्क के हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आज अक्सर ममालिक में मुसलमानों का हाल देख लो, किस तरह से तबाह बर्बादी की दहलीज तक ये कौम जा पहुंची है। मुल्क हिंदुस्तान ही ले लो, हकारत और सलालत की निगाहों से देखा जाता है मुसलमान। क्या ये मुसलमानों की शान थी? हमारे यार ये वही कौम है जिस कौम के पास यहूद और नसारा अपनी जवान जवान बेटियों को उनके घर छोड़कर तिजारत के लिए कई कई दिनों के लिए चले जाते थे। यही वो कौम है जिनके पास गैर भी आकर के दयानतदारी का यह आलम था कि हजारों करोड़ों अशरफियां ऐसे ही दे के चले जाते थे, अपनी कौम में नहीं देते थे। वो जानते थे मुसलमान अपनी जान तो दे सकता है लेकिन माल में कभी खयानत नहीं कर सकता है। क्या यही शांति हमारी? आज किस गफलत में हम और आप जी रहे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको जो जिंदगी दी है, कितना बड़ा कर्म किया है, नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, और वो भी उस नबी की उम्मत में जिस नबी की उम्मत में आने के लिए नबियों ने दुआएं मांगी है। हाँ? देखो तो सही, हमारे यार अपने मुकद्दर पर नाज करो, अपनी किस्मत पर जितना फख्र करो उतना कम है। क्योंकि जब किसी आलिम को किसी मदरसा से फजीलत की सनद मिल जाती है तो वो अकड़ कर बैठता है, जब किसी डॉक्टर या इंजीनियर या प्रोफेसर या जज या वकील को उसकी डिग्री मिल जाती है तो अपनी कुर्सी पर सीना चौड़ा करके बैठता है कि देखो मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक सर्जन हूं, मैं एक अपने वक्त का शहर का विधायक या चेयरमैन हूं, या गांव का जमींदार हूं, या गांव का मंत्री हूं, संतरी हूं, गांव का प्रधान हूं, अकड़ कर चलता है लोगों में। अम्मा यार उसको तो जमानत चंद दिनों के लिए मिली, उसके फूले नहीं समा रहे। तुमको तो अल्लाह कहता है तुम बेहतर हो, समझो तो अपने आप को, झांक कर तो देखो अपने अपने गिरेबान में। अल्लाह ने क्या शान मुसलमानों की रखी थी और आज किस कगार पे हम और आप आ गए? क्या इसीलिए अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया है? बोलिए, क्या इसीलिए पैदा किया अल्लाह ने? एक मकसद के तहत पैदा किया है। अल्लाह ने फरमाया हमने इंसानों को और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। आज हम और आप क्या कर रहे हैं? जुआ आज हम खेलें, शराब आज हम पी रहे हैं, बताइए कौन सा ऐसा गुनाह है जो आज हम नहीं कर रहे हैं? तो अब बताइए, जुल्म तशद्दुद का कोहे हिमालय किसी और पर ढाया जाएगा? आज हमने अपने दीन, आज हम अपने मजहब और मसलक से अलग हुए हैं, आज हमने अपने काबिरीन के तरीकों को छोड़ा है, इसलिए आज हम जलीलो खार हो रहे। ये जलीलो खार होने की कोई और वजह नहीं है बल्कि अपनी मस्जिदों को वीरान कर देने की वजह से है, सिर्फ जुमा जुमा झांकने की वजह है। कभी कभी जुमा पढ़ने चले गए इल्ला माशाल्लाह, वरना वो भी नहीं। यार क्या शान थी मुसलमानों की, क्या ईमानी ताकत थी उस वक्त कि एक तरफ अगर 72,000 एक तरफ 72 हैं तो दूसरी जानी 22,000 का लश्कर जर्रार 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं करबला वाले, लेकिन धूल चटा कर रख देते एक एक को। तारीख बताती है कि जिस्मानी कुव्वत इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं जितनी ईमानी कुव्वत होती है इंसान की। आज हमारा और आपका ईमान कमजोर हो गया। ईमान में कमजोरी आई कहां से? हमने नमाजों को छोड़ा तो कमजोरी आई, नमाजों को छोड़ दिया तो कमजोरी आ गई, आज रोजा रखना बंद कर दिया तो कमजोरी आ गई, आज मस्जिदों को वीरान कर दिया तो कमजोरी आ गई, आज हमने कुरान को बालाए ताक कर दिया, आज उसको आज अलमारी की जीनत बना दिया, इसलिए आज ईमान में कमजोरी आई। और जब जब कौम मुस्लिम में ईमान की कमजोरी पैदा होती है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कौम पर जुल्म तशद्दुद ठाने के लिए कोई जालिम बादशाह मुकर्रर कर देता है, कोई जालिम बादशाह मुकर्रर कर देता है। याद रखिए मुसलमानों, अल्लाह का साफ साफ कुरान करीम में ऐलान है इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास शैआ, अल्लाह जर्रा बराबर भी लोगों पर जुल्म नहीं करता। कहीं तो अल्लाह ने फरमाया है
इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिथ्क़ाला ज़र्रा, अल्लाह जर्रा बराबर जुल्म नहीं करता। आज हम और आप रोना रोते कि अल्लाह ये जुल्म हो रहा है हम पर, ये जुल्म नहीं है बल्कि हमारे हाथों की करतूत है। अल्लाह ने 25वें पारे में फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हें मुसीबत नहीं पहुंचती मगर वही जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा, यानी हमारी करतूतों के नतीजे आज हमारे सामने। और जब आपने देखा होगा जब कोई दरख्त बढ़ता चला जाता है तो उसमें कुछ शाखें इधर उधर से निकलना शुरू हो जाती हैं, जिससे अगर दरख्त को बेहतर करना है तो उन शाखों को छाटना होता है कि नहीं होता है, है ना, उन शाखों को काटते कि नहीं काटते। तो आज ऐसे ही मुसलमान नाम के हैं जो, याद रखिएगा ना हम दूर हैं ना आप दूर हैं। अगर यही कौम मुस्लिम का हाल रहा तो कहने पर मजबूर न करो कि गाजर मूली की तरह ना काटे जाए ये कौम मुस्लिम तो ना, क्योंकि हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कौम अपने मजहब से हट जाती है वो कौम तबाहो बर्बादी की दहलीज तक जा पहुंचती है। इसलिए अल्लाह ने हमें और आपको एक मकसद दिया है, उस मकसद को लेकर चले हम और आप। इस बात को आसानी के साथ समझने के लिए एक बात कह दूं तो बेजा ना होगा, आप लोग मुझसे ज्यादा जानते होंगे, मुझसे बेहतर जानते होंगे कि सबसे पहले जब मोबाइल फोन ईजाद हुआ तो उसमें SMS का सिस्टम था नहीं था, रेडियो था नहीं था, आइडियो था नहीं था, ना FM था ना रेडियो था ना SMS का सिस्टम था, ना इंटरनेट था ना यूसी ब्राउजर था ना ओपेरा मिनी था ना क्रोम था ना गूगल था ना यूट्यूब था ना फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर ना इंस्टाग्राम, कुछ नहीं था, था कुछ नहीं था उस फोन में। लेकिन जब दौर तरक्की किया, जमाना तरक्की की तरफ बढ़ा तो उसमें SMS का सिस्टम डाल दिया, और तरक्की हुई तो उसमें FM डाल दिया, और तरक्की हुई तो उसमें आईडियो का सिस्टम आ गया, और तरक्की हुई तो उसमें वीडियो भी दिखने लगी, और जमाने ने तरक्की की तो उसमें इंटरनेट डाल दिया, वो ओपेरा मिनी आ गया, यूसी ब्राउजर आ गया, क्रोम आ गया, गूगल आ गया, व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर वगैरह वगैरह, आज तो न जाने कितने एप्लीकेशन आ गए कि नहीं आ गए। जैसा जैसा जमाना तरक्की करता गया उसमें चीजें डालता गया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज भी अगर आप अपने फोन में वीडियो देखते हो या आईडियो सुनते हो या इंटरनेट यूज कर रहे हो या FM बजा रहे हो, यानी कि मोबाइल के अंदर कोई भी एप्लीकेशन खोल कर अगर आप उसको यूज कर रहे हैं, उसी दौरान अगर किसी की कॉल आ जाए, है ना, तो फौरन स्क्रीन पर नंबर शो हो जाता है और वो मोबाइल मकसद अपना बताता है कि ऐ लोगों देखो मुझ में जब ना SMS था ना FM था ना रेडियो था ना आईडियो वीडियो था तो क्या था उसमें, सिर्फ कॉलिंग का सिस्टम था ना, इंसान एक जगह से दूसरी जगह अपनी बात को पहुंचा सकता था, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक आवाज पहुंचती थी, यानी मोबाइल को बनाने वाले ने बात करने के मकसद से बनाया। देखिए बात को समझिएगा, मोबाइल को बनाने वाले ने जब ये सब चीजें कुछ भी नहीं थी तो क्या था, सिर्फ बात होती थी ना, यानी बात करने के लिए बनाया उसको, जब बात करने के लिए बनाया। आज भी अगर कोई भी एप्लीकेशन इंटरनेट यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप फेसबुक चला रहे हो, जैसे ही किसी की कॉल आती है किसी का फोन आता है फौरन स्क्रीन पर नंबर शो हो जाता है और वो मोबाइल मकसद बताता है कि ऐ यूजर ऐ मोबाइल को इस्तेमाल करने वाले देख आज भी अपने मकसद में बिल्कुल खरा उतर रहा हूं, क्योंकि आज भी जिस मकसद के लिए मुझे बनाया गया था उस मकसद में आज भी कामयाब हूं। आईडियो रुक जाता है, वीडियो ठहर जाता है, इंटरनेट काम करना बंद कर देता है, मालूम क्या हुआ सारे कामों को सारे एप्लीकेशन को रोक कर मोबाइल के फोन पे स्क्रीन पे कॉल शो होने लगती है। लेकिन आज हम और आप क्या एक मोबाइल से ज्यादा गिर गए, क्या एक मोबाइल से भी ज्यादा गिरे गुजरे हो गए, क्या हो जाता है उस वक्त
हमें और आपको जब हैया अल फलाह की आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है, हैया अल फलाह की सदाएं हमारे कानों तक पहुंचती है, हमारी कानों की दहलीज को दस्तक देती है, लेकिन हमारे सरों पे जूं तक नहीं रेंगता, हम पे कोई असर तक नहीं पड़ता। आज हम दौलत कमा लेने को कामयाबियां समझ रहे हैं। आज हमने ये सोच लिया नमाज छूट गई, चलो कोई बात नहीं, हमारा इतना इतना सामान तो बिक गया, इतना फायदा तो हो गया, आज इतना पैसा तो कमा लिया, आज इसकी फिक्र लगी पड़ी है। अमा यार दौलत कमा लेना कामयाबी आज समझ रखा हमने, क्योंकि आज हम बड़े आसानी के साथ कह देते हैं कि देखो यार ये कल को छप्पर में रहता था, आज पक्के मकान में रहने लगा, ये देख लो कामयाब हो गया है। कल को ये बिल्कुल एक साइकिल पर चलता था, लेकिन आज मोटरसाइकिल पर सवार होकर चल रहा, हमने कह दिया ये कामयाब हो गया। कल तक सिर्फ मोटरसाइकिल का सवारी था, लेकिन आज वो एयर कंडीशन की गाड़ियों में बैठकर सैर कर रहा है, हमने कहा देखो ये कामयाब हो गया। मेरे दोस्तों ये किस गफलत की जिंदगी में है। हमारा दौलत जमा कर लेना कामयाबी थोड़ी है, दौलत जमा कर लेना कामयाबी हरगिज नहीं, क्योंकि अगर दौलत ही जमा करना कामयाबी की दलील होती तो मुझे बताओ फिरौन वक्त का सबसे बड़ा कामयाब इंसान होता, नमरूद सबसे बड़ा कामयाब इंसान होता, अबू लहब उतबा शैबा जैसे लोग कामयाब इंसान होते, अपने ही मुल्क के अंदर अडानी अंबानी जैसे लोग कामयाब होते, लेकिन दौलत जमा करना कामयाबी नहीं है। अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान में, उठाओ कुरान 18वां पारा है, रब फरमाता है कद अफलाहा मन ज़क्का, जिसने अपने आप को गुनाहों से बचा लिया वो है। इधर उधर की बातों में ना पड़ो, कुरान की दलील ले लो, कद अफलाहा मन ज़क्का, जिसने अपने आप को गुनाहों से बचा लिया वो है कामयाब। अब गुनाहों से बचने का फार्मूला क्या है, उसका भी तरीका अल्लाह ने दिया है, फरमाया ना कुरान में उठाओ तो कुरान पढ़ो तो सही, क्या नहीं है हमारे कुरान में। अल्लाह ने फरमाया ना इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाइयों और बुराइयों से रोकती है, और आज सबसे ज्यादा अगर गुनाह होता है तो बेहयाइयों की वजह से होता है, क्योंकि हमारे घरों में टेलीविजन लगा हुआ है, नाच भी आ रहा है, गाना भी आ रहा है, रंडियां ठुमके भी लगा रही हैं, और अजीब अजीब किस्म के डायलॉग भी आते हैं, कॉमेडी भी आती है, न जाने कैसे कैसे सीरियल चल गए वो सब आते हैं, है ना। अब वहां पर जवान बेटी भी बैठी हुई है, जवान भाई भी बैठा हुआ है, अब्बा भी बैठा है, अम्मा भी बैठा है, अब सबके सब देख रहे हैं उसको, सबके सब देख के हंस भी रहे हैं उसको, बरहना बरहना तस्वीरें आ रही हैं उसमें, नंगी नंगी तस्वीरें आ रही हैं, हाफ कपड़े पहन के रंडियां नाच रही हैं उसमें, तो हम मुझे बताइए ये तबाहियां ये बर्बादियों के दरवाजे खोले किसने, हम खोले तो हमने ही। जब बेहयाइयां हमारे आंखों से मर गई, शर्मो हया हमारे आंखों से चली गई, क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह जो होता है वो आंख से ही होता है। अगर आंख जब किसी चीज को देखे ही ना तो अच्छा बुरा ख्याल दिल में आएगा आएगा भाई, जब हम किसी चीज को देखेंगे ही नहीं। शरीयत में पर्दे का एहतमाम क्यों किया गया है, वो इसीलिए किया गया है कि इंसान जब कोई चीज देखेगा ही नहीं तो अच्छा बुरा ख्याल आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन आजकल की माँ बहनें क्या बोलती हैं कि औरतों पे बहुत ज्यादती कर दी है इस्लाम ने, बिल्कुल कैद खाने में पैक कर दिया है मुझे। अमां नाज करो इस्लाम पर, वरना तारीख उठाकर देख लो क्या हैसियत थी उस वक्त लड़कियों की। एक मशहूर सहाबी रसूल का एक वाकया मैं बयान करूं, हजरत लिहिया कल्बी जो एक बहुत ही खूबसूरत सहाबी रसूल है, जब इस्लाम ना लाए थे, जब इस्लाम ले आए तो हजरत जिब्रील अमीन जब भी दुनिया पे तशरीफ लाते मेरे आका के पास तो हजरत लिहिया कल्बी के ही शक्ल में आया करते, है ना हजरत, आप ही की शक्ल में आया करते थे, इतने खूबसूरत थे आप। लेकिन जब दाखिल इस्लाम हुए, इस्लाम का दामन हाथों में थामा, नबी से कहा आका कलमा पढ़ा लीजिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया और अपने हाथों को आगे बढ़ाया, हाथों में हाथ देना ही था कि इतने मेज़ारों कतार रोने लगे, आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगी। मेरे आका फरमाते हैं कि ए दिहिया कल्बी क्या हो गया, अभी तो खुश थे, कोई जब इस्लाम लाता है तो खुश होता है, तुम रो रहे हो, किस चीज ने तुमको रुलाया। तो हजरत दिहिया कल्बी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने ऐसे ऐसे गुनाह किए कि मेरा रब शायद ही मुझे माफ करे, शायद ही माफ करे या रसूल अल्लाह,
ऐसे ऐसे गुनाह हो गए इन हाथों से जो हाथ आज आपके हाथ में दिया है, इन हाथों ने बहुत बहुत बड़े गुनाह किए हैं। मेरे आका फरमाते हैं बताओ तो सही। हजरत दिहिया कल्बी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इन्हीं हाथों से अपनी सुलबी 50 पेटियों को जिंदा जमीन में दरगोर कर चुका हूं। अल्लाहु अकबर। 50 सगी बेटियों को जिनकी रगों में हजरत दिहिया कल्बी का खून था, जिनकी रगों में उनका खून था, मेरे नबी की आमद से पहले औरतों का यह हाल था कि अगर घर में बेटी पैदा हो तो उन्हें जिंदा दफना देना, चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते थे लोग लड़की का। यह हाल था अरब का उस वक्त। लेकिन जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से दुनिया में तशरीफ लाए, औरतों को वहीं से इज्जत मिली, वहीं से मकाम मिला, वहीं से मनसब मिला। मेरे नबी ने तो यहां तक फरमा दिया कि नबी घर में रहे, बेटी घर में रहे तो घर के लिए रहमत होती है, जब ब्याह कर अपने अपने ससुराल चली जाए तो वहां के लिए रहमत हो जाती है, और जब वही बेटी किसी बच्चे की मां बन जाए तो उसके कदमों के नीचे जन्नत हो जाती है। ऐ मेरी माओ बहनों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है। नबी की आमद का सबसे बड़ा तोहफा तुम्हें जिंदगी का मिला है। मेरे नबी अगर दुनिया में तशरीफ न लाते तो आज भी वही दस्तूर जो अरब में था वही अजम में होकर आज पूरी दुनिया में फैल जाता, और पूरी दुनिया के अंदर आज लोग अपने हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा जमीन में दफना दिया करते। लेकिन हजरत दिहिया कल्बी ने जब इतना अर्ज किया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरे अनवर फेर लेते हैं, मेरे आका की बारगाह में कदमों को पकड़ कर रो रो के इल्तिजा कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह अगर यहां से भी माफी का परवाना ना मिलेगा तो कौन है मेरे इन गुनाहों को माफ करने वाला, कौन है मेरे गुनाहों को जो माफ कर दे। अल्लाह की रहमत से जवाब आया, जिब्रील अमीन आए और कहा कि जाओ और मेरे महबूब से कह दो कि अल्लाह ने दिहिया कल्बी को बख्श दिया। देखो मेरा रब कितना रऊफ और रहीम है। हम अपने गुनाहों से तौबा तो करके देखो। मेरे अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है जैसे उसने गुनाह ही ना किया हो, यानी उस बच्चे की तरह बिल्कुल हो जाता है जो बच्चा अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। कसदन सहवन अल्लाह हर गुनाह माफ फरमा देता है। तुम्हारे गुनाहों की कोई तादाद हो सकती है, अल्लाह की रहमत की कोई तादाद नहीं है। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, अपने गुनाहों पे शर्म खाओ, अपने गुनाहों पे रो, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाया करो। मेरे दोस्तों, तुम्हें दुनिया के लोगों के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरा यही आखिरी पैगाम है आप सबके लिए, अपनी माँ और बहनों के लिए, कि अगर आज भी इज्जत की जिंदगी चाहती हो, अगर आज भी हम और आप इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आज घर घर का ये माहौल हो जाए कि जो हमारी माँ और बहनें घरों में हैं वो आज भी नमाज की पाबंदियां शुरू कर दें, और जो हमारे भाई हैं वो आज अपनी मस्जिदों को आबाद कर दें। तुम रब की बारगाह में सर झुकाओ, अल्लाह तुम्हारा सर कभी दुनिया के लोगों के सामने झुकने नहीं देगा। याद रखिए, अल्लाह कभी नहीं झुकने देगा। और जिन जिन लोगों ने अपनी अपनी पेशानियों से अपनी मस्जिदों को आबाद किया है, आज उनकी तारीखें उठाकर देख लो। आज हम और आप अपने दादा परदादा को नहीं जानते, उनके नाम नहीं जानते, लेकिन गौसे आजम को जानते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज को जानते हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को जानते हैं, हुजूर निजामुद्दीन औलिया दहलवी को जानते हैं। बताइए, जानते कि नहीं जानते? कितनी कितनी साले हो गई, क्या इनके पास आलीशान महल थे या आलीशान बंगले में रहते थे या एयर कंडीशन की गाड़ियों में रहते थे? भाई क्या था इनके पास? इन्होंने अल्लाह का जिक्र किया, इस कदर किया, इस कदर किया कि आज अल्लाह ने उनका जिक्र लोगों के दिलों में, लोगों की जबानों पे शुरू करा दिया। क्योंकि यह हम गुनाहगारों का अकीदा है, यह हम सियाकारों का अकीदा है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो हम तो अल्लाह का जिक्र कर लेते हैं जैसे तैसे करके, लेकिन अल्लाह हमारा जिक्र कहां करेगा? इसके बारे में हमारा ये अकीदा और हमारा ये ईमान है, गोया कि रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तू
तू मेरा जिक्र इंसानों के बीच में कर, मैं तेरा जिक्र मलाइका में करूंगा। ऐ मेरे बंदे, तू मेरा जिक्र फर्शे जमी पर कर, मैं तेरा जिक्र अर्शे बरी पर करूंगा। अम्मा यार, ये सारी नेमतें दुनिया की है या आखिरत की हो, यह है किसके लिए? यह है तो हमारे और आपके लिए, बोलिए। लेकिन हम ही और आपने अपने आमाल ऐसे कर रखे हैं जो आज जुल्म तशद्दुद के कोहे हिमालय ढाए जा रहे हैं हम पर। इसमें किसी और का कसूर नहीं है बल्कि हमारा और आपका कसूर है। आज कौम मुस्लिम अपने मकसद से भटक गई है, गुम हो गई है, न जाने किस भंवर किस नशे में जिंदगी गुजार रही है। क्योंकि हमने और आपने एक दिन मरना है, अपनी अपनी कब्रों में भी पहुंचना है, उस दो गज की जमीन में रहना है। क्यामत की सुबह तक याद रखिए, एक लंबा सफर है वो। अगर यहाँ से हमें बाई कार दिल्ली का सफर करना हो तो गाड़ी के अंदर सारी चीजें चेक करके बैठते हैं, गाड़ी में स्टपनी है कि नहीं है, स्टपनी में हवा है कि नहीं है, हमारी गाड़ी की एसी दुरुस्त है कि नहीं है, अगर गर्मी का मौसम है या जाड़े का मौसम है। यानी कि गोया कि अगर जितने दिन वहां पे रहना है उतना ही इंतजाम करके चलते हैं, ये जानते हुए भी कि रास्ते में अगर कोई गड़बड़ी होगी तो कोई हमारी मदद कर देगा, कोई हमारी मदद के लिए आ जाएगा। लेकिन हम और आप किस गफलत की जिंदगी में है, कब्र से लेकर हश्र तक का एक लंबा सफर है, उस लंबे सफर के लिए हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है। उस वक्त क्या हमारी दुनिया की दौलत काम आने वाली है, या क्या काम आएगा वहां पर, या हमारे कर चाकर काम आएंगे, एयर कंडीशन की गाड़ियां काम आएंगी, या हमारा बंगला काम आएगा, या हमारा महल काम आएगा, क्या काम आएगा वहां पर? कोई चीज काम आने वाली नहीं है, सिर्फ आपके आमाल आपके साथ कब्र में होंगे। याद रखिए, दुनिया अल्लाह रखे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए एक खेती है, जैसा यहाँ आप बोएंगे वैसा ही अपनी कब्र में अपनी हश्र में काटेंगे। अब चाहे यहाँ तो अल्लाह के जिक्र में अपनी जिंदगी को गुजार दें, नमाजों में अपनी जिंदगी को गुजार दें, चाहे तो गफलत की जिंदगी गुजार कर अपनी दुनिया को अच्छा कर ले। और ये दुनिया की जिंदगी चार दिन की चांदनी है, ये हम सबको मालूम है। उसके बाद अपनी अपनी कब्र में पहुंचकर हमें हिसाबो किताब देना है। हाँ, अल्लाह ने हमें बहुत मुअज्जज और बहुत मोहतरम बनाया है मेरे दोस्तों, मरने के बाद अपने रसूल को हमें चेहरा भी दिखाना है। कम से कम इतने अच्छे तो हो जाओ, इतने ज्यादा न सही इतने अच्छे तो हो जाओ, कम से कम जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए कब्र में, जब पूछा जाए मा कुंता तकुलु फी हक हाजर रजुल, कुछ ना कहो, फौरन कदमों को पकड़ के कह दो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे इरम ताजदार हरम, नौ बहारे शफात पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह, बिन देखे तो बहुत सलाम पढ़ लिया, आज देखकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए मोमिन तो मरने की तमन्नाएं भी करता है कि जल्दी से मर जाऊं, मेरे आका का दीदार हो जाए, है ना? लेकिन एक आम इंसान को देख लो, वो बहुत डरता है मौत से, लगता है कि उसने मौत आनी नहीं है कभी। तो डरना कभी नहीं चाहिए, मोमिन की ये शान हरगिज नहीं है, मौत से कभी मोमिन को नहीं डरना चाहिए, है ना? आज बिन देखे सलाम पढ़ रहे हैं, जब अपने आका को कब्र में देखेंगे इंशाल्लाह तो वहां भी सलातो सलाम पढ़ेंगे। तो आइए उसी रस्म को बरकरार रखते हुए हम सब भी बहुत ही अदब एहतराम के साथ अब खड़े होकर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ लें। सब लोग सबसे पहले पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वअतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वअतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वअतूबु इलैह, वमा अलैना इल्ला अल-बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे सोशल मीडियास के जरिए सुन्नियों की आवाज़ को बहुत दूर तक जो पहुँचा रहे हैं वो करामत साउंड सिस्टम, जो इस पूरे जलसे की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप YouTube पर करामत रिकॉर्डिंग सर्विस को सब्सक्राइब करें और इस पूरे प्रोग्राम को आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग कोई नहीं करेगा।